नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के निधन को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस केस की चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल नहीं की गई है, जिसके बाद लगातार सोनाली फोगाट के केस को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में अब गोवा पुलिस के बाद सीबीआई भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से सोनाली फोगाट का परिवार खामोश नजर आ रहा है और सोनाली के नाम पर सियासत करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में अब ये लग रहा है कि शायद सोनाली फोगाट के केस की जो गुत्थी है वो सुलझ ही नहीं पाएगी। लेकिन यहां पर अगर सीबीआई की जांच पर ध्यान दें तो बता दें कि इस केस में सीबीआई कई ऐसे अहम सुराग और सबूत ऑलरेडी जुटा चुकी है, लेकिन अब इंतजार है कि आखिरकार सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल कब करेगी। बता दें कि गुप्त सूत्रों से यह खबर सामने आई है कि सीबीआई की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जिनके बाद शायद अब परिवार भी फंस सकता है। वहीं इस केस का मुख्य आरोपी और सोनाली फोगाट का पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान की जब कोर्ट में पेशी हुई तो उसके वकील ने यह दावा किया कि सोनाली की जान एक हादसे के चलते गई है, सोनाली के खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की। अब ऐसे में सवाल सुधीर सांगवान और सुखविंदर के वकील पर उठ रहा है, क्योंकि यहां पर अगर सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ध्यान दे तो उसके अनुसार ये कि सोनाली फोगाट की जान उनकी शरीर पर पाए गए 46 चोटों के निशान की वजह से गई है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह हो जाती है कि आखिरकार किस आधार पर सुधीर सांगवान के वकील इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। बता दें कि वकील की ओर से यह भी दावा किया गया कि जब सीबीआई इस केस की चार्जशीट दाखिल कर देगी तो यह साफ हो जाएगा कि सुधीर सांगवान इस केस में पूरी तरह से बेगुनाह है। इंतजार है कि आखिरकार सीबीआई इस केस की चार्जशीट कब दाखिल करेगी। बता दें कि मीडिया की ओर से जब इस केस को लेकर सीबीआई से सवाल किया गया तो सीबीआई इस केस पर खामोश नजर आई और अब सीबीआई की ये खामोशी कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। वहीं दूसरी ओर अगर परिवार की बात करें तो आदमपुर सीट को लेकर परिवार भी काफी ज्यादा खामोश नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि आदमपुर सीट पर 3 नवम्बर को मतदान होना है और बीजेपी की ओर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस केस में सोनाली फोगाट की बहन और रुकेश पुनिया द्वारा जो दावा किया गया कि वो आदमपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक उनकी ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया कि आखिरकार किस पार्टी से उन्हें टिकट दिया गया है। आज के लिए इस खास वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।